हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू सिला संगम ब्लॉग। तो अभी इवनिंग के 5 बज चुके हैं, आधा घंटा पहले ही हम ऑफिस से घर आए। और जैसा कि अभी घर का जो है काम लगभग एंड होने वाला है, तो ऊपर में प्लास्टर हो गया है, रेलिंग भी लग चुका है, और नीचे जो रेलिंग है उसमें रेलिंग लगेगा बाद में, क्योंकि अभी जो है छज्जे पे जो है खपड़ा का डिज़ाइन लगेगा। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं खपड़ा वहाँ पे रखा हुआ है। तो फिलहाल जो है हम लोग घर आ चुके हैं, और इधर सीला जो है बकरी से लड़ाई कर रही है। ये लोग ये सब फंस गया, निकले तो रस्सी फंस गया है, यहाँ से छुड़ाओ ना। रुको रुको, नहीं वो बकरिया वाला है, निकल गया। अरे काहे, मत मारो मत मारो मत मारो। तो अभी चूल्हा जल चुका है, गांव में चूल्हा बहुत जल्दी जल जाता है क्योंकि खाना जल्दी बन जाता है, सब थके हुए रहते हैं बारी वगैरह में काम करके, तो जल्दी खा पी के सब सो जाते हैं। ये जो टाइल्स यहाँ पे रखा हुआ है, इतना सारा खपड़ा जो है यहाँ लगेगा इस छज्जे में, ऐसे करके तिरछा डिजाइन जो है यहाँ पे लगेगा, और उसमें ऊपर में भी लगेगा जो कि बढ़िया लगेगा दूर से देखने में। तो इतना सामने तो हो जाना चाहिए। और इसमें कपड़ा रखा गया है, बताइए। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं फ्रेश होने के लिए, और इधर मैडम जी का आ चुका है ऑर्डर कि खेत से बारी से लाना है मूली, तो अभी जाके लेके आते हैं और उधर से ही फ्रेश होते हुए आएंगे। तो अभी हम आ चुके हैं फ्रेश होके, और अभी यहाँ पे मम्मी सब बना रही हैं साग सब्जी। वैसे भी ठंड में जो है हरा साग सब्जी ही खाना चाहिए ताकि आँखों का भी मेंटेन बना रहे, क्योंकि हरा साग सब्जी खाना बहुत ही ज़रूरी है आँखों का मेंटेन करने के लिए। इसमें 3-4 प्रकार का साग मिक्स है, पालक साग हो गया, गंधारी साग हो गया, सरसों का साग हो गया, सोवा साग हो गया, मेथी साग हो गया, 5 प्रकार का साग इसमें मिक्स है, बच गया था जो कि ये बनेगा मॉर्निंग में। तो अभी रवि आ चुका है होटल से समोसे लेके और अंडा लेके, जो कि मंगाया है सुनील। तो रवि जो समोसा लाया है इसमें है धनिया पत्ता का चटनी, जो कि काफ़ी बढ़िया फ्लेवर लगता है समोसे के साथ खाने में। और ये रहा समोसा पूरा एकदम क्रिस्पी। तो अभी हम ट्राई करने वाले हैं और देखते हैं कैसा लगता है। आकाश आ चुका है खाने के लिए, तो थोड़ा सा लेते हैं। और ये पहला निवाला देखिए, हम कैसे टेस्ट करेंगे, तुम टेस्ट करके बताओ, हम झूठ भी बोल सकते हैं। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया नहीं है। तो अभी हो चुका है अंधेरा, और बाहर में ही आंगन में ही बन रहा है खाना। तो आज खाने में बन रहा है इधर चिकन बन रहा है, क्योंकि हर संडे को बनता है और सबको भी आंगन में बैठे हुए हैं। और वहाँ पे देखिए वो सब लड़ाई कर रहा है, वो लाइट भी चला गया, सब लड़ाई कर रहा है। खाना रेडी हो चुका है और शीला हमारे लिए खाना लगा रही है क्योंकि भूख लगी है काफ़ी तेज। तो दोस्तों अभी हमारा खाना जो है वो लग चुका है, अब हम फिलहाल खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सभी से, क्योंकि लालच आ गया खाना देखिए। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल खाना वगैरह खा लिए हैं, और डुगो अभी सो चुका है, तब तक थोड़ा आराम करते हैं, क्योंकि खाना जो है बहुत ही स्वादिष्ट बना था, तो बहुत ही ज़्यादा खाना खा लिए हैं दबा के, तब तक जो है थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं।